सर जब भी आपसे मुलाकात होती है अलग एनर्जी आ जाती है मुझे, अच्छा? तो मुझे बाकी का पता है। अच्छा? फुल ऑफ लाइफ पीयूष मिश्रा जी, जब मैंने वेब सीरीज का टाइटल सुना मत्स्य कांड, मेरे जहन में एक आम ऑडियंस की तरह सवाल आता है कि मत्स्य क्या? हम बोलते हैं दिल्ली कांड, भाई किसी भी कांड का नाम होता है उसके पीछे कांड लगा दिया, आ गया एंड में कांड लगा दिया जाए कि भाई दिल्ली कांड हुआ था या मथुरा में कांड। मत्स्य इसका नाम है, उसने जो हीरो है रवि दुबे उसका नाम है मत्स्य, इसके अलावा और कुछ भी सिग्निफिकेंस नहीं है इसका, उसका नाम है। तो मत्स्य कांड और मत्स्य कांड करता है लगातार वो रिवेंज स्टोरी है, वो कॉनमैन बन के अपने बदले लेता है लोगों से, तो इसलिए कहते हैं कि मत्स्य कांड, मतलब मत्स्य ने कांड किया है, इसका खाली ये मतलब है, इसका इसके अलावा इसका सिग्निफिकेंस और कुछ नहीं। जो भी काम करता है उसके पीछे वो बंदा है, मत्स्य जो है आपके जो भी काम करता है जो भी एक्शन लेता है उसके पीछे ये पंडित जी नाम का बंदा है, ये पंडित जी ने बतलाया उसको कि ये करो वो करो वो करो वो करो वो करो, तो वो जो है बतलाता है उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में कि क्या होती है ज़िंदगी, और बतलाता है कि जो है आपके जो रिवेंज होता है बदला होता है वो खाली खून खच्चर से नहीं ले जाता, उसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, दिमाग होता है बहुत बड़ी चीज़, बुद्धि दिमाग बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, दिमाग होना, तो दिमाग से इस्तेमाल करो, दिमाग इस्तेमाल करो तो उससे अलग ही कलर जाता है उसमें, तो दिमाग इस्तेमाल करने को बोलता है और वो एग्जाम्पल देता है महाभारत के कई एक सारे, मोहिनी अवतार बतलाता है कि जब कृष्ण ने डिस्गाइज लिया था अवतार लिया था, और पुराने ज़माने में इसे छिलिया कहते थे, आज के ज़माने में इसे कॉनमैन कहते हैं, तो कॉनमैन कैसे बना जाता है ये इसे बतलाता है, इसे तो कॉनमैन बनने की सारी विधा ये इसे बतलाता है। इस चक्कर में मेरे ख्याल से आपको लग रहा होगा कि ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। नो डाउट अबाउट इट, वो ऐसे ही महसूस हो रहा है जब कि मैं सूत्रधार हूँ और मैं बता रहा हूँ, जब मैं जहाँ इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, जहाँ मैं महाभारत के उदाहरण लेके किसी को बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से ऐसा ही है ज़िंदगी के तजुर्बे लेके बैठा हुआ है, बहुत सारे तजुर्बे हैं इसके पास में और वो तजुर्बे अपने सारे इसके साथ बांटता है और ये ध्यान से सुनता है। तो आपको क्या ब्रीफ था पीयूष सर, क्योंकि आप भी बहुत चुनिंदा बहुत कम प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं जहाँ तक मुझे समझ में आता है, जब तक आप खुद किसी चीज़ से मुतमिन नहीं हो जाते हाँ नहीं कहते, आपको क्या ब्रीफ था जब आपने कहा यस मुझे ये पंडित का किरदार है? नहीं कुछ भी ब्रीफ नहीं था, मुझे ये बताया गया था कि ऐसे कैरेक्टर है और जेल में इससे मिलता है और जेल में इसे इन्फ्लुएंस करता है, इज़ वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पंडित जी, और जेल में पहचानता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है, इसके अंदर क्षमता देखकर बात करता है, ऐसे ही किसी बंदे को नहीं चुन लेता है, इसको देखता है उसको पहचानता है कि इसके अंदर क्षमता है, इसके अंदर पोटेंशियल है कुछ सीखने की, फिर इसे सीख देता है, तो सिखाता है ऐसे तब जबकि ये देख लेता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है सीखने की, तब इसे ब्रीफ देता है पूरी की पूरी कि ऐसे वहाँ पर जेल में बहुत सारे इनमेट्स हैं अलग अलग, वहाँ जेल में तो आपके हर तरीके के बंदे रहते हैं और कुछ एक बहुत ही पढ़े लिखे बंदे भी होते हैं उसमें, तो उन लोगों से मिलवाता है कि ये सीए है, ये इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है, ये डिस्गाइज चेंज करने में बादशाह है, ये तिजोरी तोड़ने माहिर है, उन सब से मिलवाता है उसको और उन सब के जरिए इसकी ट्रेनिंग करवाता है, तो कम्प्लीटली ट्रेंड होकर वो बाहर जाता है। हमने बहुत सी फिल्में वेब सीरीज कॉनमैन के रिलेटेड देखी हैं, उसके इर्द गिर्द कहानी का अगर मैं बैकड्रॉप की बात करूँ, ये क्या किस तरह से इस, अगर मैं इस सीरीज की बात करता हूँ, इस शो की बात करता हूँ, बाकी जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हम कॉनमैन की बात करते हैं, बंटी बब्बी से लेकर और भी कई फिल्में कई सीरीज, कैसे इसको अलग रखती है? भरोसे करने लायक है, ये विश्वसनीय है, ये विश्वसनीय है, आप इसको देखकर इसके विजुअल को देखकर आप इस पर भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, जो कॉन्वेंशन दिखाता है वो अपनी। बंटी और बबली तो एक फैंटेसी थी और बहुत सारी पिक्चरें हैं जो हम फैंटेसी में देखते हैं, ये फैंटेसाइज नहीं किया गया, ये बतलाया गया कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, आप देखकर यकीन करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है, विश्वसनीय है ये, तो विश्वसनीयता आपके इसकी खासियत है। आवाज़ आपकी जब आप कुछ भी कहते हैं बोलते हैं आप भले से विजुअली नजर ना आ रहे हों, लोगों को समझ में आता है दिस इज पीयूष मिश्रा, यहाँ पे भी जब शुरुआत होती है बहुत इम्प्रेसिव है वन लाइनर, जिस तरह के वन लाइनर आपकी तरफ से हैं, ये कितना हेल्प करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को ऑडियंस तक पहुँचने के लिए और वो इम्पैक्ट पहुँचाने के लिए? आवाज़ पर तो यार मुझे शर्म आती है अपनी, सच में यार, मतलब कहाँ साला आवाज़ मेरी, पता नहीं क्यों पसंद करते हैं यार, मुझे तो आवाज़ पर शर्म आती है अपनी।
इतनी बेहतरीन आवाज है, मेरी बात मैं आपके रूबरू बैठा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं अच्छी बात है, अच्छी सही नहीं, अपनी तारीफ सुनना किसको पसंद नहीं आता। अपनी तारीफ सुनना किसको पसंद नहीं है, तो मुझे भी पसंद है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आवाज़ करती है। इकलौता जरिया जो है आदमी तक पहुंचने का, ऑडियंस तक पहुंचने का, सबसे पहली चीज़ आवाज़ ही होती है ना, जिससे ऑडियंस को मालूम पड़ता है कि हाँ आप इससे बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आवाज़ होती है, आवाज़ होती है तो आवाज़ से जो है लोग बाग पहचान, आवाज़ से लोग बाग यकीन करते हैं कि हाँ भाई ये बंदा बोल रहा है, आवाज़ से पहली बार जानते हैं कि आपकी कौन सा कैरेक्टर है, क्या है क्या नहीं, तो इसीलिए आवाज़ की इम्पोर्टेंस है ज़िंदगी में। और वो जो बैगेज आप लेके चल रहे हैं कि यार ये हट जाना चाहिए, कहीं उस बात को लेके जहन में कहीं कुछ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मुझे जनरली अपने प्रोनाउंसिएशन से बड़ी दिक्कत है, मुझे जनरली अपने प्रोनाउंसिएशन से बहुत दिक्कत है। मुझे लगता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए था, और अच्छा होना चाहिए था, और भी अच्छा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है कि और भी अच्छा हो सकता है। मैं कोशिश ही नहीं करता, मैं लेत लाली कर रहा हूँ, मैं आलसी हूँ, कई जगह आलसी हूँ, मैं गौर नहीं करता। कई बार आपको लगता है कि आवाज़ अच्छी है तो वो निकल जाएगा, निकल भी जाता है, कई बार निकल भी जाता है तो आप परवाह नहीं करते उसकी, जबकि परवाह करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरा तेज़ तेज़ बोलना जो है आपके ये मेरे पक्ष में नहीं है, मेरे को और धीमे बोलना चाहिए, तब कहीं जाकर जो आपके और मज़ा आएगा। तो इसी चक्कर में मैंने बोला, उसका कोई बैगेज नहीं है मेरे अंदर। अब गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गया यार, पता नहीं क्यों लोग बाग याद करते हैं उस फिल्म को, अब हो गया अब गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गई यार, एक बार हो गई, ख़त्म हो गई बातचीत साली, क्या गैंग्स ऑफ वासेपुर बार बार याद करना उस चीज़ को। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका रवि के साथ? इनके साथ मेरा इंटरेक्शन नहीं था यार, रवि किशन के साथ मेरा इंटरेक्शन नहीं था। रवि के दुबे के साथ यार बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही प्यारा एक्टर है, बहुत ही प्यारा इंसान है, और बड़ों की कदर करता है, इज्जत करता है, आदर देता है बड़ों को, और बहुत ही डेडिकेटेड एक्टर है। मतलब मैं तो देखकर बड़ा इंप्रेस हुआ कि इतनी यंग एज में इतना डेडिकेशन मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। तो इतने मेकअप के साथ में इतना मिट्टी में लोटपोट होना, कीचड़ में लोटपोट होना, खून से लथपथ होना, इतना हैवी मेकअप था उसको, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार टेक होते थे आपके, मतलब पानी से नहलाने के, उसमें भी आपके वो लगातार फ्रेश बना हुआ है, तो ये जो है बहुत बढ़िया बात है। और दूसरी बात यह है कि डायरेक्टर एक्टर है, डायरेक्टर जो बोलता है वो फॉलो करता है, और तीसरी बात यह है कि काम में इंटरवेन नहीं करता एक्टर्स के, दूसरे को एक्टर्स के काम में इंटरवेन नहीं करता, तो ये सब क्वालिटीज़ जो है ये बतलाती हैं कि आपके एक्टर कैसा है कैसा नहीं। तो मैं तो बहुत इंप्रेस हुआ। आखिरी सवाल, मेरे दो सवाल, दौर बदल रहा है, पैंडेमिक ने हमें एक अलग दुनिया दिखाई, और उसकी मेहरबानी ये हुई कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म थे उस पर बड़े बड़े दिग्गजों की फिल्म आ गई, रिलीज हो गई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, फिल्में आ गई, वेब सीरीज का दौर तो खैर चल ही रहा था, लेकिन एक नया क्रांति, नया तूफान आया जब हम सिनेमा की बात करते हैं, उसमें बड़ा पर्दा सिमट के छोटा हो गया, उस पर आप क्या कहना? छोटा हो गया, लेकिन छोटा होगा नहीं है, मतलब आपके ये जो सिनेमा तो सिनेमा ही है यार, बिग स्क्रीन का मज़ा ही इस बिग स्क्रीन में, आप कर दो कागज़ के फूल रिलीज़ कर दो उस पर, कागज़ के फूल या साहिबी और गुलाम रिलीज़ कर दो उस पर OTT पर, कैसे लगेगी वो, ख़राब लगेगी। बड़ा सिनेमा ही है, 70mm का पर्दा, तो शोले कर दो रिलीज, कौन देखेगा इस पर? शोले का मज़ा ही इस बात पर है कि वो आपके 70mm के पर्दे पर दिखाई जा रही है, तो सिनेमा ही है, सिनेमा का कोई कंपेरिजन नहीं हो सकता, सिनेमा तो सिनेमा ही है। तो वो जो बड़े 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 पिक्चर के कंटेंट हैं वो उस पर देखे जाएंगे, और देखना अभी आपके पिक्चरें आएंगी तो देखना मालूम पड़ेगा कि लोग बाग क्या टूटते हैं, लोग एक बार ये पैंडेमिक का डर खत्म हो जाए इसके बाद लोग बाग क्या टूटते हैं उस पर, ये ज़बरदस्त टूटेंगे। आज राजा मौली साहब मुंबई आए हुए हैं, उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म RR का ट्रेलर लॉन्च किया, और उन्होंने यही बात कही, आप इस बात पे क्या कहना है? उन्होंने कहा कि 50% ऑक्युपेंसी होने के बावजूद भी लोग लौटेंगे, जिस तरह का बाहुबली के बारे क्रेज है, बाहुबली आप देखो, बाहुबली आप रिलीज कर दो OTT पे, कितनी पिटेगी। तो आप कितना इत्तेफाक करते हैं? क्या क्या बोले वो, क्या सॉरी, 50% एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी कंटेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, लोग आएंगे, कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए। कहा कि इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि मी बीइंग राजा मौली, किसी की भी फिल्म हो, फिल्म थिएटर में चलनी चाहिए। हाँ थिएटर में चलनी चाहिए, और आपके कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए, सही बोल रहे हैं वो, बिल्कुल कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए, लोग बाग आएंगे देखने के लिए, 5 बार लोग बगाएंगे देखने के लिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, बिंदास मनाते चलो आप जो है, मतलब OTT कितना भी इन्फ्लुएंशियल हो जाए वो सिनेमा को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये तय बात है। सिनेमा के प्लॉट्स, फिल्म के प्लॉट्स,
सिनेमा के प्लॉट्स बांधे नहीं जा सकते इसमें, दैट्स ऑल।